तुम्हारे पास नीडल्स भी है और चिकन पॉक्स भी है ना, टाइफाइड भी है। तो हमें मेन मेन पॉइंट याद रखना है, रुआफे बोरानी मिजल्स की अच्छी अलामत है, यानी कि इस बीमारी में अगर नक्सीन फूटती है तो ठीक है, अच्छा है। मलिक याद रहेगा ना? जी हाँ, वेरी गुड। अब क्या है, मसाज या मालिश इस मर्ज में मुनासिब नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। इलाज की तस्वीर बहुत ज्यादा चल रहा है, दलक नहीं करेंगे, मसाज नहीं करेंगे, दलक मालिश की बात है। दलक से याद आया, कौन बताएगा, साथ बताएगा, दलक इस्तरदाद। दलक इस्तरदाद किसको कहते हैं, कब करते हैं, वर्जिश से पहले या वर्जिश के बाद? वर्जिश से पहले। इस्तरदाद दलक इस्तदाद, इस्तदाद देखो वहां से ऐसे बनेगा, इस्तदाद पहले करेंगे, इस्तदाद बाद में करेंगे, देख लेना इसको, है ना। उसके दलक में नफ्स, तनफ्फुस के बाद में सरारे, मर तनफ्फुस में, ठीक है। वायरस खतरा में भी इस हाल नहीं देना है और चेचक में तो देना ही नहीं, दोनों में मुश्किल है ना। अब ये सब छोड़े, ये सब जो बुखार है बाद के, हुम्मे खुरमुजिया और हुम्मे आएगा, इसका सिर्फ हमको नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, मूत्रादिपात। ज्यादातर मूत्रादिपात आते हैं, उसकी डिटेल नहीं आती, मूत्रादिपात में ही आदमी चकरा जाता है ना। बाकी तो कोई स्कारलेट फीवर से होते हैं, हुम्मे खुरमुजिया कहते हैं स्कारलेट फीवर को, इसका नाम है हुमरा, सुर्ख बुखार, हजब कुरमुदिया, हजब इज्तमाहिया, बादशनाम, हुम्मे कुरमुदिया, बहुत सारे हजब हमरा, इतने सारे नाम है हुम्मे कुरमुदिया। हुम्मे कुरमुदिया सुर्ख रंग को कहते हैं, किस्में कौन सी हैं, बहुत सारी किस्म है, सब याद करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मोहतती वर्ज है। जब भी हो जाते हैं हमरा के, सबसे अहम वारिस वर्म गुर्दा है, ये इम्पोर्टेंट बात है, सबसे अहम आवारिस वर्म गुर्दा है। वर्म गुर्दा होगा तो जाहिर जाते बॉल कैसा हो जाएगा, बॉल गसाली हो जाएगा, धुआन की तरह बॉल गसाली। हमरा किसकी किस्म है, दरअसल हुम्मे तफिया की किस्म है। हुम्मे तफिया किसको कहते हैं, पढ़ाया था पहले, हुम्मे तफिया जिसमें हाँ दाने निकलता, हुम्मे तफिया दाने वाले बुखार, हुम्मे तफिया कहते हैं दाने वाले बुखार। तो हुमरा क्या है, बच्चों की किस्म है जिसमें दाना निकलता, हुम्मे तफिया की किस्म है। सवाल आएगा हुमरा तो फिर किसी किस्म है, हुम्मे तफिया की मुआतबा की लाज में कुछ भी होगा, मुतवका की तो तफिया की किस्म है जिसमें बच्चों में दाने निकल आते हैं। यहाँ भी नमूनिया की वजह से डेथ हो रही है, यहाँ भी नमूनिया की वजह से ही डेथ हो रही है, खबीसा में ज़्यादा हो जाएगा। ये सब याद करने की, अब आ गया हुमैरा, एक था हुमरा, उसके बाद आ गया कुरमुदिया, उसके बाद हुमैरा, हुज़्बत-ए-अलमानिया, हुज़्बत-ए-फ़रंसा कहलाता है ये हुमैरा, है ना, लड़कियों का नाम भी रहता है हुमैरा। इसकी छोटी बहन है तो हमरा, हुमैरा हमरा की छोटी बहन है, तो जाहिर सी बात है इसमें उससे कम होगा। हुमैरा में सबसे पहले दाने नुमार होंगे, हमरा मुशाबा होते हैं, बड़े हो तो हसबा से मुशाबा होते हैं, हमराज बहुत डिटेल में। देखिए हुमैरा में अक्सर बुखार नहीं मिलता और भूसी भी नहीं देती, हमरा हुमैरा में अक्सर बुखार। सवाल आएगा किस में बुखार नहीं मिलता, तो हुमैरा 3 से 4 रोज में ख़त्म हो जाता है, खफीफ होते हैं, ये सब याद नहीं करना, याद ही करना है। गामिया हजियानिया, इसका इसके भी बहुत सारे नाम है, अक्सर आ जाते हैं, हुम्मे रक्ता, हुम्मे गजरा, हुम्मे सजू कहता, हुम्मे कमीलिया जूं का बुखार, हुम्मे गाशिया गामिया हजियानिया। हजियानिया तो गशी से रिलेटेड है ही, जिद्दीदार बुखार, गंदा बुखार, जहाज़ों का बुखार, खाने का बुखार, याद कैसे करेंगे, ये वो बुखार है जो गंदगी से रिलेटेड है। तो जो जो चीज़ें गंदगी से रिलेटेड है उसको इसमें, जैसे गंदा बुखार तो है ही, सफ़र जहाज़ों का बुखार, जब तक तो पहले जहाज़ में सफ़र करते थे समुंदर में,
तो नहाने की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो कई कई दिन तक नहीं नहाते थे। नहाने की फैसिलिटी नहीं होती थी तो कई कई दिन तक नहीं नहाते थे, तो भाई जाहिर सी बात है उसकी गंदगी की वजह से होगा। कैद खाने में क्या होगा, जाहिर सी बात है वहाँ भी फैसिलिटी नहीं होगी, तो उसको हम सजून कहेंगे, है ना। और जब नहाएंगे नहीं तो जू हो जाएगी, तो उसको जूहों का बुखार कहेंगे, और ज़्यादा टाइम होगा तो बेहोशी का बुखार कहेंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। गामिया हजियानिया उम्मे रक्ता चित्तेदार बुखार, गजरा गंदा बुखार, सफन जहाज़ों का बुखार, वहाँ भी नहाने वाने की फैसिलिटी नहीं होगी। सजून कैद खाने का बुखार, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। और जब वो सब नहीं होगा तो उम्मे कमीलिया कहेंगे जूहों का बुखार, जू हो जाएगा, नहीं नहाएंगे तो जूहे हो जाएंगे, और फिर और ज़्यादा तो गामिया। तो ये सब एक ही है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है, चाहे उम्मे रक्ता हो, गजरा हो, सफन हो, सुजून हो, उम्मे कमीलिया और गामिया हो, इतना सारा है। और इसके लफ्जी माने क्या हैं, तो बेहोश होने के हैं। उम्मे मेविया के लिए बोला जाता है, हजियाने के लिए। असल सबब अज्जाम खबीसा है, जो मुँह में काटने से जिसम तब होगा जब आदमी गंदे रहेगा, है ना। टीक है, ये टीक टीक होता है, नब सरी सगीर और ज़ईफ हो। अब इसे कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। गामिया हजियाने में नब्स कैसी होती है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ गामिया हजियाना के मुतरादिफात हमको अच्छे से याद रखना है, बस। ये नहीं कि उसके डिटेल शरीयत बाब में चार पेज में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने बैठ गए, कोई फायदा नहीं होगा, है ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, टाइम लॉस है। जहाँ तक जितने कंसीडर कर सकते हैं टेस्ट में, बस उतनी ही पढ़ना है। तो इसके मुतरादिफात अच्छे से याद होने चाहिए, हो गया, इतना काफ़ी है ना। क्यों, क्योंकि हुमयात का तो टेस्ट होने नहीं जा रहा, टेस्ट होने जा रहा है एमटी का, उसमें सब आएगा, तो उसी हिसाब से ऑप्शन होगा। अब खत्मा एक जल्दी मर्ज है, जिसको और जवानियाँ भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को याद रखना है, मुतरादिफात याद रखना है। खत्मा किसको, खत्मा को और जवानियाँ कहते हैं, हो गया, पढ़ने के लिए तो बहुत। और खत्मे फजाइया, खत्मे हदारिया, सवाल ये सब याद रखना है, खत्मा का इलाज क्या होगा, खत्मा में औरिजात क्या होंगे, खत्मा में प्रॉब्लम क्या होगी, उसको कुछ नहीं याद रखना, ना उसको पढ़ना है ना उसको समझना है, बस याद रखना है कि खत्मा को अर्जवानिया कहते हैं, और खत्मा की कुछ किस्में हैं, खत्मा फजाइया, खत्मे हदारिया, खत्मे नहायका, बस। बच्चों में खत्मे नहायका बच्चों में ज़्यादा होता है, यही जो चार पाँच पॉइंट है वही हमको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार की स्टडी हो जाती है उसके बाद। अब आपका आ गया बोहरान, बोहरान यही लास्ट पार्ट है। बोहरान जो है क्या, यूनानी लफ्ज है, इसको योम बाहोरिया भी कहते हैं, ये तो आएगा नहीं। बोहरान के लफ्जी माने फैसला या कॉल फैसल के, बोहरान के माने हुक्म फाजिल के हैं, बोहरान मतलब डिसाइडिंग डेट, डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग, तो उसको हम कहेंगे बोहरान। बोहरान क्या है, बेसिकली एक कैफियत है ना, म्यूट रखो, आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज, लाला से ज्यादातर आवाज आता है। अब इसमें बोहरान क्या है, बोहरान से रिलेटेड बोहरान की कई सारे चीजें है ना। सबसे छोटे ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे छोटे मुद्दत बोहरान की मुद्दत 72 घंटे, इसलिए बोलता है कि ऐसा ना हो कि बोहरान की कैफियत में ले जाके दफना दिया जाए। कभी कभी उठ के आ जाता ना कबर से लोग, है ना, या चीता से, तो जालू तो पहले कह दिया कि किसी बोहरान के 72 घंटे सकता के मरीज को 72 घंटे पहले उसको नहीं दफनाया जाए, क्या पता उठी जाए। और इसी बोहरान भी है उसके अंदर क्या, बोहरान की मुद्दत 72 घंटे की है, क्योंकि सबसे छठी मुद्दत बोहरान की 72 घंटे की होती है, इसलिए ये सवाल आ सकता है। अफजल बिल खताब के हैं, अब किसमें मिलेगा ये, ज़्यादातर अमराज हादा में मिलेंगे और तहलुल ज़्यादातर अमराज मदीना मिलेंगे, धीरे धीरे वो अलग, किस भी कौन सी बीमारी बोहरान से ख़त्म होगी और कौन से तहलुल से ख़त्म होगी, ये कभी कभी, जैसे अमराज सादा में कोई बोहरान नहीं होता है ना। अमराज सादा का क्या मतलब है यहाँ पर, कौन बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमराज सादा,
क्या करना चाह रहा है। वर्ड इस्तेमाल किया अमराज साधक, किसको कहेंगे अमराज साधक कहेंगे, हाँ जिसमें मादा इन्वॉल्व ना हो, जिसमें मादा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अमराज साधा हो गया भाई। यौम अमराज सौदा में हुम यौम है, हुम यौम है तो अमराज साधा उसमें कोई बुरान नहीं होता, अमराज साधा में कोई बुरान नहीं होता है। अमराज तरकीब और तफरुक को असाल में कोई बुरान नहीं होता, हड्डी टूट गई है तो उसमें बुरान नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा हीलिंग होगी, है ना। इसमें तफरुक असाल में कोई बुरान नहीं होता, अमराज सादा में कोई बुरान नहीं होता, अमराज मुजमिना तहल्लुल के साथ खत्म होते हैं, है ना। अमराज मुजमिना अमराज हादा में बुरान होता है। सवाल आएगा कि किसमें बुरान होता है, ऑप्शन रहेंगे अमराज सादा, तफरुक उफसाल, अमराज तरकीब, अमराज हादा। तो क्या आंसर लगेगा जल्दी बताओ, सवाल क्या है, सवाल है कि किस किसमें बुरान के जो खत्म होता है, तफरुक उफसाल, अमराज सादा, अमराज मुजमिना और अमराज हादा। अमराज हादा में जाहिर सी बात है बुहरान के वक्त खत्म हो, ठीक, जातुर्रिया बुहरान के साथ खत्म होता है, कब होता है ये आठवें दिन वाक्य होता है, जातुर्रिया बुहरान के वक्त खत्म होता है जनरली आठवें दिन वाक्य होता है। अब देखिए ये सवाल है, मोती जरा और हुम्मे में तहल्लुल होता है ना, मोती जरा में तहल्लुल होगा, हुम्याते जामिया की ज्यादातर किस्में बुहरान के शर्त में खत्म होती है। अभी जो हमने पढ़े रब दायरा है ना, रब लाजमा है, सब में बुहरान हो गया। चार सूरतें हो सकती है बुहरान की, कौन कौन थी, बुहरान शाफी, तहल्लुल, बुहरान मौलिक और जबूर। बुहरान जैयद कहते हैं बुहरान महमूद को, ही आ सकता है बुहरान महमूद, बुहरान जैयद एक ही चीज़ है, जिसमें फतह होगी किसकी, मरीज की। सवाल आएगा बुहरान जैयद में फतह होती है मरीज की, मर्ज की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, बहुत लाइनअप क्वेश्चन है। तो बुहरान जैयद कहेंगे जब मरीज की फतह होगी और डिजीज की डेथ होगी, डिजीज खत्म होगा, तबीयत हाजिर हो जाए। अब बुहरान जैयद काम पूरी फतह, बुहरान अब पूरी फतह भाई कोई बीमारी हुई, कोरोना तो ठीक हो गया आदमी, ठीक है बुहरान जैयद काम हो गया। नाकिस कब हुआ, अटैक पड़ा है ना, ब्लड प्रेशर हुआ, अटैक पड़ा, पैरालाइज हो गया। अब जब वो पैरालाइज हो गया तो अब उसमें बहुत थोड़ी बहुत उसमें मतलब एकदम से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव होकर हल्का हल्का काम करना शुरू है तो फिर वो बुहरान जैयद नाकिस कहलाएगा। ना मरीज जीता है ना मर्ज है, मर्ज भी अपने कहीं ना कहीं है और मरीज भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वो बुहरान जैयद नाकिस हाफ आधी फतह हो, बुहरान रद्दी जिसमें मर जाएगा इंसान। तबीयत के दरमियान जंग में तबीयत को शिकस्त हासिल होती है, किसके दरमियान जंग है, तबीयत को जिसको ठीक करना है। यह आया था एक बार बहरान रद्दी ताम का दूसरा नाम अतब है, हलाकत। सवाल आएगा किस पे मरीज हलाक हो जाता है या मौत वाक्य हो जाती है, किसमें मौत वाक्य होती है, तो बहरान रद्दी ताम, ना बहरान रद्दी नाकस में भी नहीं होगी, बहरान जैयद नाकस में भी नहीं होगी और बहरान जैयद ताम में भी, किसमें होगी, बहरान रद्दी ताम में मरीज की डेथ हो जाएगी, बहरान रद्दी ताम, है ना। जैयद ताम में ठीक हो जाएगा, जैयद नाकिस में आधा आधा रहेगा, रद्दी ताम में भी और इसमें भी बुहरान रद्दी नाकिस में भी मरीज रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। बुहरान रद्दी ताम में, ताम मतलब होता है पूरा, जैसे अजबाब तमामिया है, अजबाब तमामिया कौन सा है भाई, जहाँ जो याद आ जाए रिपीट कर लेना। अरे सब अंसर तुम ही देती हो, बाकी लोग क्या करते हैं, अजबाब तमामिया अफाल,